जैन बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज आपके लिए लेके आए हैं आयनिक साम्यावस्था का अगला वीडियो, जहाँ पे हम लोग जानेंगे आयनन और वियोजन के बारे में। बच्चों आयनिक साम्यावस्था की पिछली वीडियो में हमने जाना था विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होते हैं। तो आयनन या वियोजन जो है इसका संबंध बच्चों विद्युत अपघट्य से होता है। अब मैं एक जल्दी से आपसे पूछता हूँ कि पिछली वीडियो में आपने क्या जाना था कि विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। तो आपने जाना था विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जिनकी गलित अवस्था में, यानी कि पिघली हुई अवस्था में, या फिर उनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। क्लियर है। और ये भी जाना था विद्युत अपघट्य सुचालक का एक प्रकार होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमने विद्युत अपघट्य के लिए NaCl, KBr, HCl और एसिटिक अम्ल, ये चार एग्जांपल लिए हैं। तो हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं। HCl को और एसिटिक अम्ल को हम लोगों ने जल में घोला है, तो जल में घुल के इसने H+ और Cl- दिया है। ये आप AQ देख रहे हैं, जलीय विलयन को प्रदर्शित करता है, अर्थात यहाँ पे जलीय विलयन में H+ और Cl- आ चुके हैं। इसी प्रकार एसिटिक अम्ल को हम लोग जल में घोलते हैं, तो ये जलीय विलयन में एसीटेट आयन और H+ आयन देता है। NaCl ठोस को और KBr ठोस को जब हम लोग जल में घोलते हैं, तो यहाँ पे NaCl Na+ और Cl- देता है, आयन दे रहा है। KBr को गर्म करते हैं तो ये पिंगली या द्रवित अवस्था में K+ या Br- देता है। गलित अवस्था को हम लोग लिक्विड से दिखाते हैं, L से दिखाते हैं। क्लियर हुआ। तो आप देख रहे हैं कि हमने गर्म किया, जल में घोला, तो वहाँ पे आपको ये पदार्थ आयन दे रहे हैं, अर्थात ये किसके उदाहरण हुए, विद्युत अपघट्य के। बिल्कुल सही बात है, ये चारों एग्जांपल विद्युत अपघट्य के हैं, क्योंकि इनकी गलित अवस्था में या फिर इनके जलीय विलयन में अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो हो जाएगी। लेकिन सर सवाल ये है कि यहाँ पे आयनन या वियोजन कहाँ पर प्रयोग करना है, क्या ये दोनों समान होते हैं या इन दोनों में कोई भेद भी होता है। तो आइए जानते हैं। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आप मुझे ये बताइए कि इन चारों विद्युत अपघट्य के उदाहरण की बात करें तो क्या ये चारों की प्रकृति समान है, क्या ये चारों एक समान है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, ये चारों समान नहीं है। किसी भी पदार्थ की जो प्रकृति होती है वह निर्भर करती है उस पदार्थ के अंदर उपस्थित बंध के प्रकार पे। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे NaCl, KBr, HCl और एसिटिक अम्ल में क्या बंध एक प्रकार के हैं। नहीं, यहाँ पर NaCl और KBr जो हैं ये आयनिक या विद्युत संयोजी पदार्थ हैं, जबकि HCl और एसिटिक अम्ल जो हैं ये सह संयोजी पदार्थ हैं। क्यों ना ये बात हम लोग ऊपर लिख दें। तो यहाँ पे देखिए हमने विद्युत अपघट्य को दो प्रकारों में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। एक प्रकार हमने लिखा है आयनिक या विद्युत संयोजी और दूसरी तरफ लिखा है हमने सह संयोजी। अब यहाँ पे सह संयोजक या सह संयोजी विद्युत अपघट्यों में दो प्रकार होते हैं बच्चों। एक होता है अध्रुवी सह संयोजी और दूसरा होगा ध्रुवी सह संयोजी। अध्रुवी सह संयोजी को अगर आप जल में घोलते हैं जैसे Cl2H2, तो ये आयन नहीं देते हैं, ये धनायन या ऋणायन नहीं देते हैं। क्या ये आपको स्पष्ट है, क्योंकि ये केवल एक प्रकार के परमाणु से मिलके बने हैं। लेकिन यहां पर देखिए इन सह संयोजक पदार्थों को इनके अंदर एक से ज्यादा प्रकार के परमाणु होते हैं, चाहे वो एसिटिक अम्ल हो या HCl हो या H3PO4 हो। तो ऐसे सह संयोजी पदार्थ कहलाते हैं ध्रुवी सह संयोजी। यहां पर हल्का हल्का आवेश होता है, आंशिक आवेश होता है, लेकिन आयन नहीं होते हैं। स्पष्ट कर दूं तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे विद्युत अपघट्य आपके दो प्रकार के मुख्यतया होते हैं, आयनिक या फिर विद्युत संयोजी, और दूसरे होते हैं ध्रुवी सह संयोजी। तो HCl और जो एसिटिक अम्ल है ये ध्रुवी सह संयोजी का उदाहरण है, जबकि NaCl और KBr आयनिक या विद्युत संयोजी पदार्थों के प्रकार हैं। आप जानते हैं आयनिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो धनायन और ऋणायन से मिलके बने हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे प्रदर्शित करूँ तो NaCl आयनिक पदार्थ के अंदर Na+ और Cl- अत्यंत दृढ़ता से बंधे रहते हैं।
के प्लस और बी आर माइनस अत्यंत प्रबलता से या दृढ़ता से बंधे रहते हैं। इसी कारण आयनिक या विद्युत संयोजी पदार्थ जो होते हैं वो ठोस अवस्था में ही रहते हैं। बच्चों ध्यान रखिए, किसी पदार्थ के अंदर अगर वह ठोस अवस्था में मिलता है तो उसका कारण होता है उसके बंध की प्रबलता। NaCl में Na प्लस और Cl माइनस के बीच में जो आयनिक बंध है वो अत्यंत प्रबल होता है KBr के अंदर, NaCl के अंदर, इसलिए ठोस अवस्था में मिलता है। जब आप उसको जल में घोलते हैं या फिर उसको गर्म करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, इन आयनिक पदार्थों के आयन अलग हो जाते हैं, देख रहे हैं आप, टूट जाते हैं। और ये शब्द हमने टूटना जो है ये पहली वीडियो में प्रयोग किया था, अगर आपको ध्यान हो तो। यहाँ पे आप देख रहे हैं आयनिक या विद्युत संयोजी पदार्थ जो है जल में घोलने पर या गर्म करने पर टूट रहे हैं, अर्थात वियोजित हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, पृथक हो रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे विद्युत अपघट्य जो आयनिक या विद्युत संयोजी होते हैं, जब वो आयन देते हैं, चाहे जल में घुल के दें या फिर गलित अवस्था में दें, तो वहाँ पर उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं वियोजन। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन दोनों के लिए जो क्रिया हुई है वह हुई है वियोजन। ये बात करते हैं ध्रुवीय सहसंयोजी पदार्थों की। यहाँ पे हमने HCl और एसिटिक अम्ल उदाहरण लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आयन नहीं है, यहाँ पर आयन नहीं है, लेकिन जब इनको जल में घोला जाता है तो जल में घुल के ये आयन उत्पन्न करते हैं, आयन देते हैं। अर्थात यहाँ पे आयन थे नहीं, आयन बनाए गए हैं, आयन उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ पर इनका आयन देने की क्रिया, जब ये जलीय विलयन में आयन उत्पन्न करते हैं घुलने के बाद, तो यह प्रक्रिया कहलाती है आयनन। अब मैं ये आपको दोबारा स्पष्ट करता हूँ एक उदाहरण के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने HCl को, जो हमारा ध्रुवीय सहसंयोजी पदार्थ है, चाहे वो एसिटिक अम्ल है, उसको जल में हम लोग घोल रहे हैं। तो जल में जब घुलता है तो बच्चों ये हमको देता है H आयन, और वो जो H आयन हो जाता है वो मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है। तो जो हमने ऊपर दिखाया है ऐसा हम लोग समझाने के लिए लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन टेक्निकली तकनीकी रूप से ये सही नहीं है। जैसे ही यहाँ से आपके ध्रुवीय सहसंयोजी पदार्थ से आपको H प्लस मुक्त होगा, यहाँ से ये H प्लस, यहाँ से ये H प्लस, ये तुरंत जल के साथ क्रिया करके H3O प्लस या हाइड्रोनियम आयन में परिवर्तित हो जाता है, स्पष्ट है। और जो बचेगा वो क्या बचेगा, यहाँ पे Cl माइनस, और यहाँ पे बचेगा एसिटेट आयन। तो फिर से बात करते हैं, ध्रुवीय सहसंयोजी पदार्थ वे होते हैं जो जल में घुलने पर आपको हाइड्रोनियम आयन प्रदान करते हैं। तो HCl और जो एसिटिक अम्ल है ये जल में घुलने पर आयनित हुए क्योंकि इन्होंने आयन उत्पन्न किए हैं। अब हो सकता है कि कुछ लोगों को ये स्पष्ट ना हुआ हो, तो देखिए मैंने फिर से यहाँ क्लियर किया, HCl लिया है, यहाँ पे जल है, तो HCl ने क्या दिया, Cl माइनस दिया और H प्लस दिया। अब वो जो H प्लस है बच्चों, वो हमारे जल के, आप देख रहे हैं जल का जो अणु होता है वो वी शेप होता है, और जो जल के अणु के पास में दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो होते हैं बंध बनाने में प्रयुक्त नहीं होते हैं, एकांकी माने अकेले हैं, ये हमारा H प्लस को देता है, और हमारा H2O जो होता है वो H प्लस के साथ बॉन्डिंग करके कन्वर्ट हो जाता है H3O प्लस में। तो HCl जो है, जब आप उसको जल में घोलेंगे, H2O में घोलेंगे, तो वो आपको Cl माइनस हाइड्रोनियम आयन देता है, अर्थात यह हमारा विद्युत अपघट्य है। तो जब भी विद्युत अपघट्य आयन देगा तो आपको ये ध्यान करना है कि आपका विद्युत अपघट्य किस प्रकार का है, क्या वह आयनिक या विद्युत संयोजी है या फिर ध्रुवीय सहसंयोजी है, स्पष्ट है। तो ध्रुवीय सहसंयोजी पदार्थ जब आपको जल में घुल के आयन देते हैं तो यह प्रक्रिया आयनन कहलाती है, लेकिन जब आपका आयनिक पदार्थ जल में घुलकर या फिर गर्म करने से आयन देता है तो यह प्रक्रिया वियोजन कहलाती है।